बचपन, पचपन और पंचानवे हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलमबरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। और सामान्य ग्राम, मैंने इससे पहले इजहार किया कि मैंने बस थोड़ी सी मेहनत की है, ये सारी चीज़ें जो सर ने कही थी उसको यकजा किया और किताब की शक्ल में पेश किया। मैं जिन लोगों ने इस किताब के लिए मुझे जो भी तआवुन दिया है, दामे जिरमे कदम सुखने, मैं उनका जो मशकूर हूँ। और यहाँ एक बात आई, कई मुकर्रिरों ने कहा कि उनकी जो नसरी तख्लीकात हैं उनको भी जो है किताबी शक्ल दी जाए। मैंने 25-26 मजामीन मेरे पास मौजूद हैं, और भी जो है जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि जो है इमरानी फैज अहमद साहब के पास किताबत शुदा जो है कई जिल्दों में जो है मजामीन मौजूद हैं, अगर वो मिलते हैं तो उसे भी किताबी शक्ल दी जाएगी। बेहतर इस किताब के लिए जो मुझे तहरीक मिली कई लोगों से कि मैंने इसको जो है उसको थोड़ी कोशिश करके मैंने एक किताबी शक्ल दी है। इसके अंदर मुझे दिलचस्पी थी क्योंकि मिजाज से मुझको दिलचस्पी है, मैं पढ़ा करता हूँ जो मिजाजिया कलाम होते हैं शोरा के, और मजामीन भी पढ़ा करता हूँ। तो मैंने जब पढ़ा इसको तो बड़ा जो उसके अंदर लुत्फ आया। चंद मिसाल के तौर पर मैं पेश करता हूँ कि जैसे कि उन्होंने एक नज़्म लिखी थी फसाना रमज़ान कौसमिल अज़ीज़, करता है कि रावी रमज़ान का बयां, करता है कि रावी रमज़ान का बयां, उम्मीद के जनाब मिलाएंगे हाँ में हाँ। मुल अपने शहर में लड़का था एक 8 साल का, मादर जुनूब की थी तो फादर शुमाल का। अब ये बच्चा जो है पहले रमज़ान के अंदर होटल में पर्दे लगा करते थे, एक बच्चा उसको देखा अंदर सब खा रहे हैं पी रहे हैं, तो उसको जो है देख करके उसको मारपीट के अकाल देते हैं। तो आखिरी में वो कहते हैं कि एक रोज़ादार बच्चा होटल में पिट गया और होटल में बुलंद हुए शैतानी कह कहा, इस तरह से उन्होंने पेश किया तो बहुत पसंद आई, मैंने इसमें शामिल किया है। इसी तरह से एक नज़्म है सूजी सूजी, तेज़ा था बहुत मजदूर, तेज़ा था बहुत सेठ को मजदूर की सूजी, झटकार निकाला उसे लातूर की सूजी, झटकार निकाला उसे लातूर की सूजी। और उसमें अर्ज किया है, मजदूर लंबा था सफ़र पड़ गया मजदूर वो बीमार, लंबा था सफ़र पड़ गया मजदूर वो बीमार, पारा में जो लाया तो उसे नूर की सूजी, पारा में जो लाया तो उसे नूर की सूजी। इसी तरह से चंद उनके कतार मैं पेश कर रहा हूँ, मैं मुख्तसर पेश करके खुदबत सदारत करना है। एक पैरोडी पर्दे में बेपर्दा पर्दे में कल जो आई नज़र चंद लेडियाँ, पर्दे में जो आई नज़र चंद लेडियाँ, नक्शे कदम पे उनके कदम मेरा पड़ गया, और चलते चलते कारवां ठेठर में जा घुसा, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। और इसी तरह से कहा है कि हो गई, नाम उनवान दिया उसको, हो गई कि सदा को सुनते ही छोड़कर जूते भाग जाते हैं, कौम की बुजदिली के बास ही औरतों के सुहाग जाते हैं, और हो गई कि सदा को सुनते ही छोड़कर जूते भाग जाते हैं। इस तरह एक कथा और है कि जर्द चेहरा जिस्म लागर मुझको खांसी हो गई, जर्द चेहरा जिस्म लागर मुझको खांसी हो गई, मैं जवानी के दिनों में ही बड़ी भी हो गई, और सुई गोली टानिक और टानिक ने किया जब तंदुरुस्त, सुई गोली और टानिक ने किया जब तंदुरुस्त, डॉक्टर का बिल जो देखा फिर से टीबी हो गई। इसी तरह से उन्होंने जो है तस्वीरात कही कही हैं कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आंसुओं से हाथ मुंह धोता है क्या, और लीडरों को पेंशन मिलने लगी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये निशाने इश्क हैं जाते नहीं, ये उसने तस्वीर लिखी है कि ये निशाने इश्क हैं जाते नहीं, गाल पर पंजाब है रोता है क्या, गाल पर पंजाब है रोता है क्या, ये सफेदी दाग की है परमानेंट, ये सफेदी दाग की है परमानेंट, दास छाती के बस धोता है क्या। मीर के ऊपर कहा है कि रहिए ऐसी जगह चल, गरीब ने कहा है कि रहिए ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, सिर्फ वो हो सास का नामो निशान कोई ना हो, और ए ननद जब भी मरम्मत हो तेरी ससुराल में,
हम सुखन कोई ना हो और हम जबां कोई ना हो। तो इन्होंने बड़ी दिलचस्पी से एक एक चीज़ें उन्होंने लिखी है, कव्वालियाँ भी जो लिखी हैं, 3 से 4 कव्वालियाँ, और उसके अंदर जो है बहुत सारे जो अलविदाई गीत लिखे हैं, बच्चों को नसीहत फजीहत करते हुए, उनको जो है आखिरी में नसीहत करते हुए वो रुख्सत होते हैं, और बहुत सारी जो अलविदाई गीत जो है काफ़ी बजाया है। कि एक जो है नकल नवीसी के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसी लियाकतों से अगर डॉक्टर बने, ऐसी लियाकतों से अगर डॉक्टर बने, घर घर बटेंगे देखना तीजे के फिर चने। इसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं हम उनको और दूसरे कलाम देखते हैं कि उन्होंने संजीदा गज़ल भी लिखी है, संगमरमर का बदन ताजमहल का नक्शा, संगमरमर का बदन ताजमहल का नक्शा, सामने मेरे है हाफिज़ की गज़ल का नक्शा, पुरसुकून झील की पुरसुकून झील पे चिकन दौड़ गई, एक कंकर ने बटल दा है दल का नक्शा, ज़िंदगी मीर की है मौत जफर की होगी, तेरी किस्मत भी है मुख्तार जुहल का नक्शा। उन्होंने जो है अपनी जिक्र इस तरह किया है, और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी नज़में और भी कही हैं, यहाँ वक्त नहीं है कि सबको पेश किया जाए, किताब आपके हाथों में है, आप उसको जो है उसका मुताला कीजिए, महसूस होइए। मैंने इस किताब को जो है इंतसाब किया है उन तलबा के नाम किया है जो उनकी तदरीस से जो महसूस होते रहें, उन असाज़ा के नाम लिखा है, मैंने असाज़ा को यहाँ पर ज़हमत दी है, बहुत सारे मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आए, उनके साथ उनकी रफाकत में रहते हुए बहुत कुछ उन्होंने उनसे महसूस हुए हैं। ये किताब उनके नाम है और आप सब तमाम लोगों के नाम है कि आप उनके कलाम को हासिल करें और उसको पढ़ें और देखें कि मुख्तसर के अंदर क्या खूबियाँ थीं, क्या बात से बात पैदा करते थे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनकी जो नस्र है तमाम नस्लों को जितनी भी मिल सके मैं उसको एक किताबी शक्ल दूं, और मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करूं जिनको मैंने सबके पास किताब पहुंचाई थी, सिवाय डॉक्टर फारानी साहब के पास मैं नहीं दे सका, बाकी लोगों के पास मैंने 6-7 महीना पहले किताब दे दी थी, या सिद्दीकी सर और ये ज़हीर कुस्सी साहब, सभी के पास में दी थी किताब, और किताब जो है उनको उनके घर पर मैंने पहुंचाई थी जा करके, और इंतजार की थी आप मज़मून लिख कर रखिए, जब भी मौका लगेगा इंशाल्लाह उस किताब को मैं जो है घर पे दी। हाँ आपके पास नहीं, आपको नहीं दी, बस ये फारानी साहब को नहीं दिया वो। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी इन बातों को सुना, वक्त ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं अपनी बात नहीं ख़त्म करता हूँ। बड़ी देर से मुंतज़िर हैं खुतबे सदारत के लिए मोहतरम डॉक्टर सईद फारानी साहब, और मैं जिस शेर से उनको मधु करना चाहता था वो शेर अतीक शाबान सर ने कह दिया। बहरहाल बाहुनर हो पुर असर हो कौम के रहबर हो तुम, बाहुनर हो पुर असर हो कौम के रहबर हो तुम, कहकशां हो फूल हो इत्र हो अंबर हो तुम, आओ महफिल में खिताबत का चिरागे जौ लिए, बाई से फखरे चमन हो शम्मे रोशन हो तुम। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिब्बी फ़न्नी माशी तजारती माशरती इंतज़ामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।